हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बिया गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है एप्पल एंड ऑरेंज। आज हम इसे सोल्व करेंगे। सैम्स हाउस हैज़ अ एप्पल ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री डैट यील्ड एन एबंडेंस ऑफ फ्रूट इन द डायग्राम बिलो। द रेड रीजन डोनेट्स इज हाउस वेयर एस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड टी इज़ द एंड पॉइंट। द एप्पल ट्री इज़ टू द लेफ्ट ऑफ हिज हाउस एंड द ऑरेंज ट्री टू इट्स राइट राइट। You can assume the tree are located on a single point where the apple tree is at point A and the orange tree is at point B. Basically, सैम का हाउस है वो जो रेड वाला रीजन है उसमें लाई करता है एस और टी के बीच में, और एक एप्पल का ट्री है जो ए पॉइंट पे है और एक ऑरेंज का ट्री है जो बी पॉइंट पे है। इसके बाद में देखते हैं क्या कहा हुआ है। When a tree falls from its tree, its length d unit of distance from its tree of origin along the x-axis, basically x-axis पे हैं और एक हमें बताते हैं कि एक d distance दी होती है कि कितने यूनिट वो पेड़ से फ्रूट गिरा हुआ है। A negative value of d means the fruit fell d units to the tree's left, जो basically अगर कोई negative value है तो वो हमें denote करती है कि जो हमारा फ्रूट है वो ट्री के जो लेफ़्ट साइड में गिरा हुआ है। बेसिकली वो ही रूल है एक्स एक्सिस वाला। एंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डी मींस इट फॉल्स डी यूनिट टू द ट्रीज राइट, और जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है ऑब्वियसली वो राइट के लिए ही बता रही है। गिवन द वैल्यू ऑफ डी फॉर एम एप्पल्स एंड एन ऑरेंज, हमारे पास एम एप्पल होंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास एम होंगे और नंबर ऑफ ऑरेंज हमारे पास एन होंगे। गिव द वैल्यू ऑफ डी, और हमें उन दोनों के लिए डी वैल्यूज़ दी गई होंगी। डिटरमाइन हाउ मैनी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विल फॉल ऑन द सैम्स हाउस, हमें बताना है कि कितने एप्पल और कितने ऑरेंज सैम के हाउस पे गिरे हुए हैं। इसके बाद में इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आई थिंक हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे हम आगे चलते हैं, प्रोग्राम देखेंगे सीधा। इनपुट फॉर्मेट एक बार चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डोनेटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एस एंड टी। बेसिकली एस एंड टी हमारी जो पहली वाली लाइन है उसमें सैम का हाउस है वो उसका बताया गया है, किसका हाउस किस किस बीच में लाई करता है, किन पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। द सेकेंड लाइन कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डोनेटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ए है वो एप्पल के लिए है और बी हमारा ऑरेंज के लिए है। द थर्ड लाइन कंटेन टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डोनेटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एम। एम हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल फ्रूट्स, नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए है, और एन हमारा नंबर ऑफ ऑरेंज के लिए है कि कितने फ्रूट हमारे गिरे हुए हैं। द फोर्थ लाइन कंटेन एम स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डोनेटिंग द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस डेट ईच एप्पल फॉल फ्रॉम पॉइंट ए। हमारा जो अगले वाली लाइन है हमारी फोर्थ लाइन है उसमें हमें एम स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स होंगे, एम इंटीजर्स होंगे उसमें, जो हमें बताएगी कितने डिस्टेंस पे हमारे फ्रूट हैं, जो हमारा एप्पल है वो गिरा हुआ है। द फिफ्थ लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डोनेटिंग द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस डेट ईच ऑरेंज फॉल फ्रॉम पॉइंट बी। बेसिकली जो हमारा फिफ्थ लाइन है उसमें जो एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स हैं जो हमें बताएंगे कि हमारे जो ऑरेंज हैं वो कितने पॉइंट पर गिरे हैं, बी पॉइंट से कितनी दूरी पर गिरे हैं। इसके बाद में हमारे पास आउटपुट फॉर्मेट है। द फर्स्ट लाइन द फर्स्ट इंटीजर द नंबर ऑफ एप्पल्स डैट फॉल ऑन सैम हाउस। ओके, फर्स्ट लाइन में हमें एप्पल्स बताने हैं कि सैम के हाउस पे कितने गिरे हैं, और सेकंड लाइन में हमें ऑरेंजेस बताने हैं कि सैम के हाउस पे कितने गिरे हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम के बारे में बात करें तो बेसिक ही है सब कुछ। हमारे पास ये एप्पल ट्री है, ये ऑरेंज ट्री है, ये हमारे पास ए पॉइंट है एप्पल के लिए, बी पॉइंट है हमारा ऑरेंज के लिए, और हमारा ये डिस्टेंस दे रखे एस और टी पॉइंट्स के बीच में हमारा हाउस लाई करेगा। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई एप्पल यहाँ से गिरता है वो हाउस पे कब गिरेगा, अगर जो हमारा एप्पल है लेट से वो डिस्टेंस डी, यहाँ से डी डिस्टेंस पे हमारा कोई एप्पल डलता है तो हमारा जो ये वाला है हाउस है उसके बीच में कब, उसके ऊपर कब गिरेगा, उसके रीजन में लाई कब करेगा, जब हमारी वैल्यू ए प्लस डी या तो हमारी ग्रेटर देन एस होनी चाहिए एंड ए प्लस डी ही हमारा लेस देन टी होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन इज इक्वल्स टू टी होना चाहिए। बेसिकली तभी वो रीजन में लाई करेगा, जो हमारा एप्पल डला हुआ है वो इस रीजन में लाई करना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो
एप्पल और डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हमारे एस के होनी चाहिए और लेस देन इज इक्वल्स टू टी होनी चाहिए, तभी वो हमारा इस रीजन के अंदर लाई कर पाएगा। बेसिकली इसी तरह हम अपने ऑरेंज के लिए लेंगे, अगर हमारा ऑरेंज लेट्स से डी डिस्टेंस पे यहाँ से गिरता है, वो किसी किधर भी गिर सकता है, अगर वो हमारा पॉजिटिव होता है तो इस साइड गिरेगा, हमारी राइट साइड गिरेगा, अगर नेगेटिव होता है तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट साइड गिरेगा, और हम कह सकते हैं अगर वो नेगेटिव है ऑरेंज के लिए तो तभी गिरेगा वो। बट क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हमारी वैल्यू, हमें कोई ऑरेंज है, हमें उसको एस और टी रीजन के बीच में गिराना है, एस टी रीजन के बीच में गिराना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारा बी प्लस डी अगर हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एस के होता है और बी प्लस डी हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू टी होता है, अगर ये वाली कंडीशन लाई कर जाती है तो हमारा जो ऑरेंज है वो भी इस रीजन के अंदर गिरेगा और जो हमारा एप्पल है वो भी इसी रीजन के अंदर डलेगा। और बेसिक अभी हम इसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, आई थिंक अब आप यहाँ से एल्गोरिथम देखकर भी आप इसे कर सकते हो। इसके बाद हमें अपना प्रोग्राम ही करना है, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे किस तरह हम इसको प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इनपुट और आउटपुट अपने आप ही लेंगे, उन्होंने पहले इनपुट आउटपुट करा हुआ है, उन्होंने एक फंक्शन में दिया हुआ है, बट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट हम अपने इनपुट और आउटपुट अपने आप से ही कराएंगे। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल स्टार्ट करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h हैशटैग। हमें एक ही हेडर फाइल की जरूरत है, आई थिंक हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मेन फंक्शन लगाते हैं इंट मेन, इसके बाद में अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें किस किस हमारे पास किन किन इंटीजर्स की हमें ज़रूरत होगी, उसके बाद कितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी यही डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस आता है, फिर टी आता, ओके सबसे पहले एस आता है, एस और टी जो हमें सैम के हाउस बताएंगे कितनी किस किस पॉइंट्स के बीच में लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास एप्पल के लिए आता है ए जो एप्पल के पेड़ का पॉइंट है, और ऑरेंज के लिए आता है बी। इसके बाद हमें एम भी चाहिए, नंबर ऑफ एप्पल्स जो ड्रॉप होंगे, और एन चाहिए नंबर ऑफ ऑरेंज के लिए। इसके बाद हमें पॉइंट्स इनपुट कराने हैं तो हमें लूपिंग भी करनी पड़ेगी, वो बाद की बात, चलो वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले लाइन में स्कैन कराते हैं अपने दोनों के दोनों एप्पल्स के लिए। सबसे पहले तो हमें हाउस के लिए वो कराना है स्कैन, एडस ऑपरेटर लगाते हैं एस एंड देन एडस ऑपरेटर टी। अब हमने हाउस के पॉइंट्स स्कैन करा लिए हैं कि किस किन बीच किन किन पॉइंट के बीच में हमारा हाउस है वो लाई करेगा। इसके बाद में अगली लाइन में हम स्कैन कराते हैं अपने ट्रीज़ को कि हमारे ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर होंगे, एड्रेस ऑपरेटर ए, ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर ए जो ए डिनोट करेगा हमारा एप्पल का ट्री डिनोट करेगा, और इसके बाद हमारा एड्रेस ऑपरेटर बी ये हमारा ऑरेंज का ट्री डोनेट करेगा कि कहाँ पर हमारा ऑरेंज वाला ट्री है। इसके बाद में हम स्कैन करेंगे यहाँ से परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। अब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे अपना नंबर ऑफ एप्पल्स जो हम एम में इनपुट करा रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो ड्रॉप होंगे। एम और एन को इनपुट कराने के बाद हमें अभी इनपुट कराना है कि कितने डिस्टेंस पे हमारा एप्पल है वो गिरेगा। इसके लिए हमें फोर लूप लगानी पड़ेगी क्योंकि जिसने हमारे एम की वैल्यू है, लेट से एम की वैल्यू 5 है, तो 5 ही एप्पल की डिस्टेंस हमें इनपुट करानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं फोर लूप लगाकर, आई इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइज करके, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारी एम के एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद में हमें क्या कराना है, हमें स्कैन कराना है सबसे पहले स्कैन एफ, और इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से हम एक्स में हमको स्कैन कराएंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे एक्स। इसके बाद में हम हर बार एक बार स्कैन कराते रहेंगे, उसके बाद हम उसे देखेंगे कि वो हमारा जो हाउस है उस पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, अगर गिरेगा तो हम उसे काउंट कर लेंगे, नहीं तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर काउंट भी करना है तो हम एप्पल भी डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे एप्पल के लिए, जितने एप्पल गिरेंगे और उसे 0 पे इनिशियलाइज कर लेंगे, और
ऑरेंज को भी अभी डिक्लेयर कर लेते हैं, ऑरेंज के लिए भी इसे भी जीरो पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम स्कैन कराएंगे, अब देखते हैं कि हम किस तरह स्कैन करा के हम किस तरह अपना जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। परसेंटाइल डी एड्रेस ऑपरेटर एक्स। स्कैन कराने के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा फ्रूट है, जो हमारा एप्पल है, वो क्या हमारे पेड़ पर गिरा है या नहीं। अगर वो गिरा होगा तो हम उसे काउंट कर लेंगे एप्पल में, एप्पल को हम इंक्रीमेंट करा देंगे कि एक एप्पल हमारा गिरा हुआ है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा है अभी कि किस तरह हम क्या क्या कंडीशन होगी कि हमारा जो एप्पल है वो हमारे ट्री पर गिरे। तो इसके लिए देखते हैं, जो हमारा एक्स प्लस ए है वो हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए एस के, एंड हमारा एक्स प्लस ए लेस देन होना चाहिए हमारे टी के। अगर ये दोनों वाली कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए, अगर ये दोनों वाली कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एप्पल को इंक्रीमेंट करा देंगे और हमारा एप्पल वाला वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें ऐसे ही ऑरेंज के लिए करना है। ऑरेंज के लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे आई को वापस से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई की वैल्यू लेस देन एन, एंड आई को इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद स्कैन कराएंगे, अपने एक्स में ही डाल लेते हैं वापस से वैल्यू। इससे हमें मिलता है, हमने यहाँ पे स्कैन कराया है कि जो हमारा ऑरेंज गिरेगा वो कितनी डिस्टेंस पे गिर रहा है ट्री से। इसके बाद में फिर वापस से वही कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में लिखना स्टार्ट करते हैं अपना, अगर जो हमारा एक्स है और प्लस बी अगर हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एस होता है, एंड जो हमारा एक्स है प्लस बी जो हमारे डिस्टेंस है और हमारे ट्री की डिस्टेंस है अगर वो लेस देन इक्वल्स टू टी होती है तो हमारा ऑरेंज अपने जो हमारा हाउस है उस पे ही गिरेगा। इससे हमें दोनों वैल्यू मिल जाती हैं। इसके बाद हमें बस केवल प्रिंट कराना रह गया है। अब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। अब हमें लाइन भी चेंज करानी है, परसेंटाइल डी उन्होंने बेसिकली कहा था दो अलग अलग लाइन में कराना है, बट हम एक लाइन में भी करा सकते हैं। सबसे पहले एप्पल लिखेंगे, इसके बाद में ऑरेंज, एंड देन रिटर्न करा देंगे इससे ज़ीरो, और अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे भी मेरे को लिख सकते हैं। अगली वीडियो उसी डाउट पर मिल जाएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।